नमस्कार, आज के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के बाद पहली बार राज्यसभा में बोले। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम ने नोटबंदी के कारणों को गिनाया। अपने भाषण के दौरान पीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर टिप्पणी की, जिससे नाराज होकर कांग्रेस के सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की तारीफ करते हुए कहा, इससे इतनी करेंसी बैंकों में आई है कि ब्याज दर कम हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा माओवादियों ने समर्पण किया और दुश्मन देश में जाली नोट का कारोबार करने वालों को आत्महत्या करनी पड़ी। मंगलवार को पीएम ने लोकसभा में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा था। वहीं कांग्रेस का कहना है, जब सब लोग बोल चुके तब पीएम नरेंद्र मोदी बोले और उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। नोटबंदी के बाद से विपक्ष मोदी से संसद में जवाब देने का। हमारे आज का विशेष नोटबंदी पर नमो। नोटबंदी पर नमो, आज इसी विषय पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। पहले देखते हैं क्या कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में। और ये भी सही है कि सारे पैरेलल इकोनॉमी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो गरीब का हुआ है। गरीब का हक छीन लिया जाता है और मध्यम वर्ग का शोषण होता है। अब ऐसा नहीं पहले कोई प्रयास नहीं हुए होंगे, पहले भी कोई प्रयास हुए लेकिन लड़ा अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है। आप देखिए हमारे देश में 30-40 दिवस में 700 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया हो 30-40 दिन में, ये पहली बार। ये नवंबर दिसंबर के दरमियान 40 दिन में करीब 700 लोगों ने सरेंडर किया है और उसके बाद भी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर माओवादी सरेंडर करें उसका संतोषी सदन में किसी को न हो, ऐसा हो नहीं सकता कि विश्व में इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा और इतना व्यापक निर्णय कभी हुआ नहीं। और इसलिए दुनिया के अर्थशास्त्रियों के पास भी इसका लेखा जोखा करने का कोई मापदंड नहीं है। जब पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अभिभाषण दे रहे थे उसी समय कांग्रेस सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। उसके बाद क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। गरिमा किसकी, सीमा किसकी, क्या है सब पता चल जाएगा। ये जो ये बोल रहे हैं ये हर मर्यादा का सीमा को देश में नहीं दुनिया में किसी एक इकोनॉमिस्ट को दुनिया का लोग मान रहा है वो आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनका बारे में कुछ बोलना है तो ये देश का लोगों को इंसल्ट करने का बात है। इस प्रकार से एक शैली नीचे ले जाना, इस प्रकार से वार्तालाप करना जहां दूर दराज प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई संपर्क नहीं, इस मुद्दे से उनको घसीट के लाना और इस प्रकार के गिरे हुए आरोप प्रत्यारोप करना बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं समझता हूं जब तक कि वो स्पष्टीकरण नहीं देते, सफाई नहीं देते, तब तक ये हाउस नहीं चल सकता। नोटबंदी पर नमो, आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं बीजेपी नेता हिदायतुल्ला शेख, आपका स्वागत है। कांग्रेस से दीपचंद्र यादव जी, आपका भी स्वागत है। सपा से शिशुपाल यादव, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब, आपका भी स्वागत है। और लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर
आरसी भट्ट जुड़ेंगे, उनका भी हम एडवांस में स्वागत करते हैं। जिस तरह से आज और कल बीता हुआ, कल लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, आज राज्यसभा में वो बोले, और जिस तरह से आज कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया, सबसे पहले कांग्रेस नेता दीपचंद्र यादव जी के पास हम चलेंगे। यादव जी, जिस तरह से लगातार आपकी मांग रही है कि मोदी जी कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप खामोश हैं, आज बोले तो आप सदन से वॉकआउट कर गए, क्यों नहीं सुनना चाहा आज आपने? प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है। इस देश ने बहुत बड़े बड़े पार्लियामेंटियन दिए हुए हैं, और देश ने बहुत अच्छे वक्ता जिनकी भाषा पर कमांड होता है, जिनकी भाषा जो होती है एक पद की गरिमा के अनुकूल होती है, जिनकी भाषा एक संसदीय भाषा होती है, और प्रधानमंत्री जी की भाषा, मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री की गरिमा को आज तक इतने दो ढाई साल में उन्होंने जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार उनका वक्तव्य, चाहे वो सदन में हो, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, या देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है जैसा कोई आदमी हर वक्त चुनाव के मूड में रहता है और चुनावी सभाओं को संबोधित करता है। इसी तरह से आज और कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है, मैं समझता हूं कि कोई भी सेंसेबल आदमी जिसको भी थोड़ा सा, लेकिन दीपचंद यादव जी, जिस तरह से परिपाटी चल पड़ी है, आरोप प्रत्यारोप जो लगते हैं, चाहे हम आपकी पार्टी की बात करें और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं है। देखिए सक्सेना जी, ये आज और कल जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने अपना लोग वक्तव्य दे रहे हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम नहीं, जब खुद बोलते हैं तो और इसके बाद में चले जाते हैं, उनको दूसरों को भी तो जवाब देना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, शिशुपाल यादव आपको जवाब देना चाहिए। चलिए दीपचंद जी, शिशुपाल यादव आपके इस समय सहयोगी हैं, वो जिस तरह से यूपी में गठबंधन हुआ है, उनसे पूछ लेते हैं, क्या जिस तरह से पीएम का लोकसभा और राज्यसभा में आप भी मानते हैं कि जिस स्तर का होना चाहिए वो नहीं था? बिल्कुल, वास्तविकता यही है कि एक देश के प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है और देश के प्रधानमंत्री का जो शब्दों का चयन होना चाहिए, वो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए कि वो कैरेक्टर शब्दों का उपयोग करें पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, वो इस तरह के शब्दों का उपयोग करें कि बारिश में उनको बहुत अच्छे से रेनकोट पहन के नहाना आता है। तारीफ भी की, तारीफ भी की उन्होंने, मनमोहन सिंह की तारीफ भी की उन्होंने। तारीफ कहना और साथ में दोनों तरह की बात करना, ये कौन सी बात हुई? वही तो हम कहते हैं ना, कथनी और करनी में इनके बहुत अंतर है। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। चलिए, कथनी करनी में अंतर है। हिदायतुल्लाह शेख, बीजेपी नेता हमारे साथ में है, जिस तरह से आरोप कांग्रेस लगा रही है, सपा भी कह रही है, क्या नहीं था स्तर, जिस स्तर का एक पीएम, जो कि एक संवैधानिक पद है, पीएम का जो स्तर होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा में, वो नहीं रहा? किसी भी ढंग से उसको अमर्यादित नहीं कहा जा सकता। संसद में उनके उनका पूरा भाषण पूरा मर्यादित था, उन्होंने सारे शब्दों का सही ढंग से चयन करके सारी बात रखी। आप इनको तो कुछ न कुछ मौका चाहिए था सदन से वॉकआउट करने का, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भाषण दिया, उस समय जनता को पता चल गया कि देशभर के पास वहां पर तो कोई सवाल जवाब करने की स्थिति लोकसभा में बची नहीं। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 700 से ज्यादा माओवादियों ने समर्पण किया, तो किसी एक कांग्रेसी ने मेज नहीं थपथपाई, तो क्या कांग्रेसियों को इस बात का बुरा लग रहा है कि 700 से ज्यादा माओवादियों को ने आज समर्पण कर दिया और वो राष्ट्र की मुख्यधारा में जुड़ गए? जब प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं कि हमने 1,64,00,000 गरीब परिवारों को आज गैस सिलेंडर दिए, वो जो महिलाएं थी जो चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिनको तकलीफ होती थी, जिनको स्वास्थ्य की समस्याएं होती थी, और अब हम ये लक्ष्य 5 करोड़ तक पहुंच रहे हैं, क्या ऐसी बातों का कांग्रेस को समर्थन नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस इस बात को मान के बैठी है कि प्रधानमंत्री की हर बात का विरोध करो, ये सही ढंग से प्रजातंत्र नहीं होता। कांग्रेस को याद रखना चाहिए, एक जमाना वो भी हुआ करता था जब इंदिरा गांधी अगर बांग्लादेश के ऊपर आक्रमण करती थी तो अटल जी कहीं ना कहीं उनकी एक कविता सुनाकर उनको दुर्गा के रूप से और ये सारी चीजों से एक तुलना करी जाती थी, कई बार कई चीजों की तारीफ की जाती थी। आप देखिए, जब कॉमनवेल्थ का घोटाला हो रहा था,
जब हमारी पार्टी बात सुनिए ना, एक वो इसी से जोड़ा, जब हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम ये सारी चीजें संसद में और जब तक नहीं उठाएंगे, है ना, जब तक कि ये खेल निपट नहीं जाए और कम से कम ये बातें विदेशों तक नहीं जा पाए, उसके बाद सारी चीजें हुई और कौन कौन जेल गया, मतलब ये बात मर्यादा की किसको सुना रहे हैं? देश की मर्यादा के लिए तो हम लोग जान देने वाले लोग हैं, ये लोग तो पता नहीं कहाँ कहाँ का इतिहास ले लेके आ जाते हैं और ये सारी सब कुछ बात कर लेते हैं। आज आज ये दोनों जो लोग बोल रहे हैं ना, ये तो एक कुल मिलाकर एक अवसर का गठबंधन हो गया है। जी जी। दोनों राजकुमार कहीं ना कहीं घूमे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम आपके पास फिर आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। रमेश जी, जिस तरह से कल पीएम नरेंद्र मोदी का लोकसभा में रहा अभिभाषण, आज राज्यसभा में लगा, और दोनों ही दल, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, साथ में जो सपा नई साथी है कांग्रेस उसकी बात करें, अमर्यादित बता रहे हैं। जिस स्तर का एक पीएम का एक ताना बाना होता है, वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या एनालिसिस करेंगे, किस तरह का एनालिसिस करेंगे आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि कल लोकसभा का भाषण और राज्यसभा का आज का भाषण प्रधानमंत्री का बहुत गरिमा से युक्त रहा है और स्वाभाविक रूप से उसको बिल्कुल सारे सदस्यों ने सुना भी उसको है। ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में शोर शराबा हुआ। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी जी का एक स्वभाव है, वो आमसभा में भी, वो संसद में भी कहीं ना कहीं एक हल्का सा तंज करते हैं, तो वो तंज उन्होंने उसको किया और उसको कांग्रेस ने फिर उसको एक इशू बनाया और उसको एक बहिर्गमन का उन्होंने रूप दिया और होकर के चले गए। लेकिन जिस तरीके से उपलब्धियां प्रधानमंत्री ने एक एक करके गिनाई हैं, स्वाभाविक रूप से ये देश की दिशा को तय करने वाला है। वो तो नरेंद्र मोदी ही क्यों, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि भारत के ज्यादातर प्रधानमंत्री मौलिक चिंतन के रहे हैं, एक दो दो अगर उनके कामों को हटा भी दें तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी हों, अटल जी हों, मोदी जी हों, स्वाभाविक रूप से ये लोग जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की गरिमा बढ़ती है। और नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से कल लोकसभा में और आज राज्यसभा का जो भाषण दिया है वो निश्चित रूप से गरिमा के अनुरूप है। एक आध कोई बात अगर तंज में कही है तो उसको उसी ढंग से लिया जाना चाहिए, बंद के रूप में, खास के रूप में, बिल्कुल उसको हमला के रूप में नहीं लिया। बिल्कुल रमेश जी, ये भी माना जाए कि जिस तरह से जब से नोटबंदी का फैसला पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया, उसकी जिस तरह से कांग्रेस ने एक हमला बोला, तो ये कह सकते कि लंबे समय से वो भरे बैठे थे जवाब देने के लिए, कहीं ना कहीं यही भी ये कर रहा है। निश्चित रूप से ये बात भी रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं संसद और संसद के बाहर प्रधानमंत्री को अगर चोर जैसे शब्दों का भी लोग इस्तेमाल करते हो तो उसके जवाब में थोड़ा बहुत तो बनता है, स्वाभाविक रूप से उनके मन में रहा होगा और वो अवसर की प्रतीक्षा में थे तो वो एक उनके मुंह से एक बात क्यों निकला है और उसको उसी ढंग से लिया जाना चाहिए, उसको बहुत इशू नहीं बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इशू नहीं बनाना चाहिए। इस समय हमारे लखनऊ से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट साहब जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आपका स्वागत है आज की डिबेट में। और जिस तरह से हम लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के अभिभाषण की, और नोटबंदी का एक जो लगातार इशू लंबे समय से रहा है और इसी को लेकर फोकस पूरा उनका अभिभाषण रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, क्या मानते हैं? जिस तरह से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हम बात करें, नोटबंदी को लेकर चाहे राहुल गांधी का भाषण हो, चाहे अखिलेश यादव का हो, चाहे मायावती का हो, सब नोटबंदी पर 80% नोटबंदी पर फोकस है। चुनाव ही एक बड़ा मुद्दा है नोटबंदी इस समय उत्तराखंड यूपी में। भट्ट साहब, सुन पा रहे हैं हमें आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजेश, निश्चित रूप से नोटबंदी एक मुद्दा है जी। और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव हैं जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने भाषण में सीधे तौर पर नोटबंदी के लिए डिफेंड किया, उसके फायदे भी बताए, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव है। कांग्रेस पहले चुनाव के पहले कहीं न कहीं पूरे देश में इस नोटबंदी को बनाने की कोशिश कर रही थी बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ, और काफी दिनों से लगातार प्रधानमंत्री पर हमले हो रहे थे जिसको प्रधानमंत्री कहीं न कहीं उसका प्रत्युत्तर नहीं रहे थे। अगर हम नजर डालें पिछली लोकसभा जब चल रही थी, लगातार राज्यसभा में लोकसभा में ये मांग उठती रही कि प्रधानमंत्री को नोटबंदी के मुद्दे पर वक्तव्य देने की लगातार विपक्ष की मांग हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री उस पर बहुत बोले नहीं। लेकिन कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा चलेगी तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री इस पर जरूर बात करेंगे, और माहौल बन गया। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में चुनाव है, बड़ी आबादी है, महत्वपूर्ण प्रदेश है निश्चित रूप से,
और प्रधानमंत्री के ऊपर इस समय खासतौर पर चुनाव में राजेश जिस तरह से हमले हो रहे हैं और खासतौर पर नोटबंदी को लेकर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को अब लगा कि बोलना जरूरी है। और जिस तरह से उन्होंने कल लोकसभा में भट्टाचार्य आज राज्यसभा में काफी आक्रामक रूप से भाषण दिया, बिल्कुल, और इसमें कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आक्रामक रूप देखा, तो कहीं ना कहीं हम ये भी माने क्या कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा का एक फोरम था उसके जरिए यहां पर भी इम्पैक्ट डालने की कोशिश रही है पीएम की। निश्चित रूप से लगातार प्रहार हो रहे थे राजेश, और जिस तरह से अभी आप देखें चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ही भाषणों को देखें और कल के भाषणों को दो तीन दिन लगातार जिस तरह से उनकी रैलियां हो रही हैं उस भाषणों पर नजर डालें तो वो काफी मुखर और आक्रामक नजर आ रहे हैं, और कहीं न कहीं उसकी छाया जो है आज वो लोकसभा में कल और आज राज्यसभा पर पड़ी है। और जिस तरह से आक्रामक रूप से उन्होंने आपसे फिर लौटेंगे बिल्कुल बिल्कुल हमारे अन्य मेहमान हैं, एक बार फिर दीपचंद यादव की तरफ हम रुख करेंगे। और दीपचंद जी जिस तरह से आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवीश शर्मा को भी आपने सुना, बीजेपी को भी आपने सुना, आरसी भट्ट भी थे, कहीं ना कहीं जिस तरह की आपकी शब्दावली रही है, आप आज बात कर रहे हैं अमर्यादित है और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कांग्रेस लंबे समय से वही कर रही है, और जिस तरह से जो उत्तर आप जो था उसी का प्रति उत्तर आपको आज सुनने को मिला है, तो आप क्यों नहीं गंभीरता बरतते? बात कर रहा हूं, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता, देश की जनता को बहुत अच्छा लगता अगर प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में वो भी स्वीकार करते कि उनकी ये नोटबंदी की जो भी उन्होंने करा, जो भी निर्णय लिया, उससे लाइन में लग करके कितने लोगों की मौत के मृत्यु हुई उनका भी उनको कम से कम कहना चाहिए था, उन्हें दूसरी बातें तो कह दी, अगर वो बहुत अच्छा लगता। देखिए देखिए यादव जी उन्होंने ये कहा है, पीएम ने ये भी कहा है कि कुछ समस्याएं जरूर हुई है क्योंकि बहुत बड़ा था, एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की तरफ बढ़ रहे थे राजेश जी, बहुत बड़ा परिवर्तन देश की जनता देख रही है, वो सब समझ रहे हैं, लेकिन अगर वो ये स्वीकार करते कि अगर दो एक सेकंड के लिए ये कह देते जिन लोगों की अकाल मृत्यु उस कारण हुई है मैं उनके प्रति उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको मुआवजा देने की आज कोई एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो उनके लिए तो आप बहुत सी घोषणाएं कर देते हैं क्योंकि उसमें, लेकिन आप इसके अंदर 112 120 25 लोगों की जान गई, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, एक बैंक तो मैनेजर के भी जान गई, काला धन के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, राजेश जी वही बता, मैं वही पूछ रहा था, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा होता अगर ये बताते देश को पार्लियामेंट को कि इस नोटबंदी के निर्णय के कारण इतने हजार करोड़ रुपए काला धन आ गया, अगर बहुत अच्छा बताते कि उन्होंने पीटीएम से कितने करोड़ रुपए लिए जो कि रोज उनका प्रचार करते हैं कि उसमें जमा कराइए, आप कितना जियो से उन्होंने रुपया लिया जिसकी वजह से उनको उसका वकालत करना पड़ती है, कितना उन्होंने अमेरिका की कंपनी से जितना चले 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 आपका सवाल प्रधानमंत्री लेते हैं आपका सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। हिदायतुल्लाह जी हमारे साथ में बीजेपी से, कितना पैसा आ गया है, कितना जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं आप बताएंगे कुछ? ये तो इनके सवाल से ही लग जाता है कि ये लोग कितने मर्यादित थे जो प्रधानमंत्री के बारे में इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे शर्म आनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं कि वो है ना जी मेरा वक्तव्य हो जाने, आप बकवास मत करिए, इस तरह की बात मत करिए कि शर्म आना चाहिए या आना चाहिए, प्रधानमंत्री आपको आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, आपकी पार्टी को आना चाहिए, क्या बात करते हैं आप? अमर्यादित बातें करी है, वो बातें भी हमने सुनी है, कैसे बात कर रहे हैं, क्या प्रूफ है इनके पास है? तो जाइए कोर्ट जाइए, इनके पास है तो बहुत सारी एजेंसी है वहां पर जाइए, जनता के बीच जाइए, कैसे बोलते हैं पेटीएम से पैसा लिया, कैसे बोलते हैं जियो से पैसा लिया, आप जाइए ना कोर्ट, किसी ने को आपको बताया ना, हिदायतुल्लाह जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ से कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों की बातों को सुनकर। केस में जमानत पे ये दोनों माँ बेटे जो इनकी पार्टी चला रहे, ये किसको मर्यादित होने की बात करते हैं यहाँ पर, बात हत्या जी इस तरह के अगर बेहूदगी की बातें, ये किसमें बात आई आई आई
आई विल नॉट कम अगेन हियर। भट्ट साहब कुछ कह रहे हैं, आप वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के दीपचंद जी, भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लखनऊ से, आरसी भट्ट कुछ कहना चाह रहे हैं, भट्ट साहब बोले। राजेश, पहले तो हम अपने मेहमानों से कहेंगे कि वो थोड़ा संयम रखें, और प्रधानमंत्री का जो पद होता है देश का सर्वोच्च गरिमामय पद होता है, और किसी तरफ से जो है उनके ऊपर सीधे आरोप बिना साक्ष्य के नहीं लगाए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जो मेहमान हैं वो आदरणीय हैं और उनको संयम बरतना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, और निश्चित रूप से हम जनता के समक्ष जवाबदेही है हमारी, प्रधानमंत्री जवाब देने बैठे हैं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की बेइज्जती करते हैं विदेशों में जाकर के, हिंदुस्तान ने आज तक जो कुछ किया उसकी बेइज्जती करते हैं, ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुसार चलिए विदेशों में जाकर के देश की, चलिए कोई प्रधानमंत्री रमेश शर्मा हमारे साथ में है, रमेश शर्मा जी हमारे साथ में प्रयोग, रमेश जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उनको भी हम सुनना चाहेंगे। आप लोग बोल रहे हैं, पीएम ने भी बोला, कांग्रेस भी लगातार बोल रही है। रमेश जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस, चाहे हम सदन के अंदर की बात करें, सड़क की बात करें, पार्टी के गए जेल में, किस दिशा में, किस दिशा में राजनीति आप है भाई, किस दिशा में राजनीति बढ़ती आप देख रहे हैं, इस तरह के आरोप जो लगते हैं, चालान भी पेश नहीं कर पाए हैं आप लोग। रमेश जी क्या बात करते हैं, रमेश जी इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का स्तर बन गया है, किस तरह का मैसेज हम जनता को देना चाहते हैं, किस तरह का आप देख सकते हैं इस चीजों को? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं राजनीति में आत्मसंयम और गरिमा की तो जरूरत है, और देश भर में एक ऐसा वातावरण बन रहा है शब्दावली का भी और आरोप प्रत्यारोप का भी। मैं समझता हूँ हर एक राजनीतिक दल को इसको तो बहाल करना ही चाहिए, ये लोकतंत्र के हित में है, और यही कारण है अगर आप बाजार में बात करेंगे तो इस समय राजनीति और राजनेताओं के बारे में जो टिप्पणियां होती हैं, आप चाहे सोशल मीडिया में देख लें, सड़क पर चलते हुए देख लें, ट्रेन में देख लें, वो कहीं ना कहीं इस स्तरहीन बातचीत या आरोप प्रत्यारोप के कारण ही होता है। और स्वाभाविक रूप से अगर राजनीति को गरिमा प्रदान करना है तो प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात कहना है, अपने मुद्दे उठाना उनको चाहिए कि हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, और इस तरह से जो है राजनीति गरिमा में आएगी, मैं समझता हूँ ये देश के हित में होगा। राजेश जी बिल्कुल, रमेश जी क्या ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें समाधान करना है वही समस्या पैदा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता मूक दर्शक बनी देखती रहती है, उम्मीद रखती है कि उनके लिए कुछ अच्छा हो, और यही प्रजातंत्र में होना चाहिए, चाहे विपक्ष का भी अपना एक महत्व है, सत्ता पक्ष का भी अपना महत्व है, लेकिन जिस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से ये बात आप सीख कर रहे हैं कि जो लोग भी राजनीति में हैं, जो लोग भी जनप्रतिनिधि में हैं, जनप्रतिनिधित्व में हैं, लोग उनके आचरण को देख करके, उनकी शब्दावली को देख करके अपना व्यवहार निश्चित करते हैं। ये गीता में कृष्ण ने कहा है कि हमेशा जो लोग भी श्रेष्ठ पदों पर हैं उनको अपनी गरिमा शब्द की शैली की बना के रखना चाहिए ताकि उस हिसाब से जनता उनका अनुसरण करे। अगर राजनेताओं का बातचीत का स्तर थोड़ा सा गरिमा में ना होगा और वो छोटी मोटी बात पर इस तरीके से उलझेंगे जैसे बहुत सड़क पर लड़ाई हो रही है, बिल्कुल, तो इससे गरिमा बढ़ेगी। बिल्कुल रमेश जी, शिशुपाल यादव कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरीके से बात कही जा रही है कि नहीं, शब्दों को गरिमामय और उससे रखा जाना चाहिए, आज तक मैं पूछना चाहता हूँ, मैं देश के प्रधानमंत्री से ही पूछना चाहता हूँ अगर ये बात है तो, कि उन्होंने जितने वादे किए थे, उन्होंने जितने कमिटमेंट किए थे, कितने वादे उन्होंने सच किए हैं और कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं? आज जो बात हो रही है कि लोकसभा में उन्होंने पहले नहीं बोला, राज्यसभा में उन्होंने पहले नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला है क्योंकि वो जानते हैं कि देश की जो भोली भाली जनता है ना, वो हमारे झूठे वादों के झांसों में आ जाती है, हमारी जुमलेबाजी आ जाती है, जुमलेबाजी चक्कर में फंसाना चाहते हैं। आपका आखिरी वक्त कम है, आपका आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे? देखिए, इसमें ये प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा, अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे था, उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिराई, लेकिन ये अगर वो ये भी कहते कि देश जब से आजाद हुआ इसके बाद में जिस धरातल को आज कांग्रेस ने और पिछली सरकारों ने आज खड़ा कर दिया, आपको पूरा एक बहुत बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना करके दे दी, बहुत से चार्ज ने दे दी, तारीफ भी तो की है वो सबकी समझ में आती। मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जो दुनिया के लोग जिस आदमी को आप अर्थशास्त्र के बारे में क्या जाने, अर्थशास्त्र के बारे में जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका सम्मान करते हैं और आप उनके ऊपर अर्थशास्त्री होने के का कारण भी और उस पर आप शंका करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ये चलिए लास्ट में कोई अच्छी बात। चलिए
हिदायतुल्ला जी, जिस तरह से लगातार कांग्रेस कटघरे में खड़ा कर रही है, पूरा जो आज राज्यसभा का भाषण चल रहा था वो पूरा के पूरा मेरा आग्रह है कि कांग्रेस के हमारे समाजवादी मित्रों को सुनना चाहिए। गरीबी को लेकर भी उन्होंने बोला कि गरीबी को लेकर प्रयास ही है, लेकिन उसमें और गंभीरता से प्रयास किए जाने। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी सरकार ने प्रयास नहीं किए, उन्होंने बोला प्रयास किए, गंभीरता से प्रयास होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का एक चीज, एक तंज निकाल के बात करने की बात करते, क्यों नहीं बात करते 700 माओवादियों पे, क्यों नहीं बात करते उन 1,64,00,000 हमारी महिलाओं पे, माता बहनों पे जिनको गैस कनेक्शन मिला है, क्यों नहीं? एक मिनट, आपका समय नहीं है शिशुपाल जी, आपका समय नहीं है, ये इस किस्म की बातें नहीं चलेंगी। नहीं, आपका समय क्यों बोल रहे हैं आप? शिशुपाल जी, ये ठीक तरीका नहीं है राजेश जी, इस किस्म का नहीं है। शिशुपाल जी, कुछ जाने कहा कि परंपरा से आपके लोग बैठ जाते, आप बोल रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो, मुझे जवाब भी नहीं देना। शिशुपाल जी, परंपरा है शिशुपाल जी, कौन सी बात है, बोल दिया है। अरे आपके सहयोगी दीपचंद जी वरिष्ठ, आप मर्यादा की बात मत करें। जो आजम खान जी बोलते हैं रावण है प्रधानमंत्री, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इतने नीचे गिर रहे स्तर पे बात करते हैं आपके लोग। चलिए चलिए, बात मत करिए आप लोग, शांत रहे। आखिरी में आरती भट्ट हमारे पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आरती भट्ट साहब, आपके क्या माना जाए इसका इम्पैक्ट की हम बात कर रहे थे, चूंकि अब यूपी में जिस तरह से इलेक्शन की बेला है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है मतदान का, ऐसे में कितना असर आप देख पा रहे हैं? जी राजेश, बिल्कुल भट्ट साहब, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आज पीएम का आज अभिभाषण हुआ, कल हुआ, तो कितना असर आप मानते हैं कि इसका असर यूपी में देखने को मिलेगा, जिस आक्रामकता के साथ वो सामने आए हैं? अब राजेश, पीएम ने सही टाइमिंग का इस्तेमाल किया, सही टाइमिंग बिल्कुल, और पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की है, खासतौर पर दो राज्यों में, अधिकतर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, और उनको लगता है कि जो चीजें वो पहले नहीं कह पाए, सही टाइमिंग पर नहीं कह पाए, वो अब कह रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा में और आज राज्यसभा में उन्होंने खुल के चर्चा दी की, और खासतौर पर काफी समय दिया, अगर उनकी टाइम को देखें तो पूरा समय उन्होंने दिया, और विधिवत रूप से उन्होंने नोटबंदी को डिफेंड किया बिल्कुल, और जिस तरह से नोटबंदी के फायदे उन्होंने गिनाए, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि जिस तरह राहुल गांधी, वक्त कम है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं भट्ट साहब, वक्त कम है, कहीं बीजेपी नेता हिदायतुल्ला शेख, कांग्रेस नेता दीपचंद यादव, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, और सपा नेता शिशुपाल यादव, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ से आरती भट्ट, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देखा कि आज और कल नोटबंदी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आक्रामकता के साथ जवाब दिया, और ये भी सही है जिस तरह से हमने चर्चा में ये पाया कि वो लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे, और लगातार जिस तरह से कांग्रेस उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी, एक सही फोरम था जवाब देने के लिए। और जिस तरह से हमने लखनऊ में अपने पॉलिटिकल लीडर आरसी भट्ट साहब से बात की, उन्होंने कहा बहुत सही टाइमिंग उन्होंने चुनी, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव है जवाब देने की, तो माना जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार है, चूंकि चुनावी माहौल भी चल रहा है। तो आज के नोटबंदी पर नमो इस चर्चा में इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।